अच्छा, तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 14 को पढ़ रहे हैं और तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे अपने विषय में बता रहे ताकि हम जो है उस ज्ञान चक्षु को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान को हम इस जीवन में प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते और देख सकते। श्लोक संख्या 12 में भगवान सभी व्यवस्था की अभी बात कर 12, 13, 14 और 15 में भगवान किस प्रकार से सब व्यवस्था कर रहे हैं उनके विषय में बता रहे हैं। तो 12वें अध्याय में वे इस ब्रह्मांड के स्तर पर बताते हैं किस प्रकार से सूर्य का तेज जो सारे विश्व को अंधकार सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। तो हर एक स्तर पर ब्रह्मांड संबंधी स्तर पर भगवान बताते हैं 12वें अध्याय द 12th वर्स कृष्ण टॉक्स अबाउट द कॉस्मोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द यूनिवर्स कि किस प्रकार से ये सब अरेंज्ड है, किस प्रकार से सब ग्रह चल रहे हैं और किस प्रकार से सूर्य का तेज उनसे ही उत्पन्न हो रहा है। 13वें अध्याय में वे इस पृथ्वी टेरेस्ट्रियल अरेंजमेंट ऑफ द अर्थ लौकिक विषय क्या बता रहे हैं। 12वें अध्याय में 13वें अध्याय में कह रहे कि किस प्रकार से प्रत्येक अणु प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश कर तो ये जो है इस संबंधी लौकिक संबंध टेरेस्ट्रियल अरेंजमेंट ऑफ द अर्थ इन ऑन द अर्थ। अभी 14वें श्लोक में फिजियोलॉजिकल अरेंजमेंट किस प्रकार से ये सब व्यवस्था है। फिजियोलॉजिकल मीन्स बॉडी बॉडी के अंदर कैसे वे कार्य कर रहे। और फिर 15वें अध्याय में आध्यात्मिक व्यवस्था तो इस प्रकार से वे जो है सभी प्रकार की व्यवस्था जो कर रहे उस व्यवस्था के विषय में बता रहे। और आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं पाचन शक्ति श्वास प्राण वायु 1 मिनट तो भगवान बता रहे कि वे जो है उसमें रहकर अन्न को पचाता। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय
में अग्नि होती है, जैसे वो कहते हैं जठर अग्नि अग्नि होती है, जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है। जैसे ही जो भोजन हम खाते हैं, तो ये हमारे यहाँ आमाशय या पेट में प्रकार की अग्नि है, और उस अग्नि के कारण जो है हमारा जो है हमारा जो भी हम खाते हैं वो पचता है, वो पाचन शक्ति। तो ये कौन दे रहे? भगवान। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूँ, भगवान को। तो शारीरिक स्तर पर भी जो व्यवस्था है ताकि हमारा शरीर अच्छी तरह से चले, भगवान वो भी व्यवस्था। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। तो ये अग्नि जो पेट में है वो जो प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं लगती। जैसे कि हम देखते हैं कि एकादशी के दिन जो है ये फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है एकादशी, क्योंकि जो अग्नि है वो प्रज्वलित नहीं रहती इतनी। सभी जो ग्रह के चंद्रमा सूर्य ग्रह के प्लेसमेंट के अनुसार, तो डाइजेस्टिव ये जो सिस्टम जो है वो थोड़ा उसके अंदर जो अग्नि है वो कम होती है। तो इसीलिए अन्न वगैरह खाने से शरीर में जो है कष्ट हो सकता है। तो इसीलिए उस दिन जो है हम सब फलाहार लेते हैं या जल के साथ उपवास करते हैं या निर्जल करते हैं, तो इस प्रकार से आराम मिलता है, आमाशय को आराम होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे ये बताया जाए इस प्रकार से, और आयुर्वेद में ये उपाय है, क्योंकि हम जो है अपने शरीर को ठीक से जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, वो जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, वो जो नहीं खाना है वो खाते हैं और जो खाना है वो नहीं खाते हैं। तो इस प्रकार से ये सब जो है शरीर में सब कष्ट होते हैं और बीमारियां होती हैं। तो ये डिस्टर्ब हो जाए तो हम अनेक दोष है, ले तो कहते हैं वात दोष, ज्यादा से ज्यादा वात है, कफ पित्त वात, अनेक अनेक दोष है शरीर के अंदर। ये वात मतलब हवा एयर, वो शरीर के अंदर अनेक अनेक प्रकार की वायु भी है, क्योंकि सब जो है पंच धातु से, पंच महाभूत, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, सब कुछ इन 5 चीजों से बने हैं। जो हमारे शरीर में है दिखता नहीं है तो नहीं, खास करके वात दोष जो होता है वो रात के समय में। इसीलिए अभी जो है बहुत सारे लोग, क्योंकि
आधुनिक जीवन है, आधुनिक युग, रात को भी लोग सोते हैं, लेट सोते हैं, या अभी इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई है, या इतनी ऑफिस के कार्य भी होते हैं, नाइट शिफ्ट होते हैं, लंबा लंबा समय, जो जो समय में हमें आराम देना चाहिए उस समय में भी लोग काम करते हैं, और इसीलिए रात दोष हो जाता है। रात को 2 से लेकर सुबह 6 बजे तक भी दोष हो जाता है, तो इसीलिए शारीरिक कष्ट होते हैं। और दूसरी बात ये है कि सुबह को जल्दी उठने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय है, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक तो समय है, वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे अंदर जो वात है वो बैलेंस्ड है, इसीलिए जब हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो सफल होता है, मन भी फ्रेश होता है, रात गई बात गई तो मॉर्निंग में होता है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये अच्छा है सुबह को जल्दी उठना। तो बहुत सारी चीजें आयुर्वेद में बताई गई, और ज्यादा से ज्यादा जो बीमारी है आयुर्वेद में बताया गया कि 80 से अधिक बीमारियां जो है ये वात दोष के कारण होता है, तो आयुर्वेद में वात दोष का बैलेंसिंग बैलेंस करने के लिए अनेक जो है औषधि वनस्पतियां जो भी भगवान से ही प्राप्त है, जब कुछ सब कुछ व्यवस्था भगवान ही कर रहे हैं, और भगवान ये व्यवस्था हमारे लिए, क्योंकि उनको पता है कि हम जो है अगर ठीक से अपने शरीर को नहीं संभालेंगे तो अनेक कष्ट, शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, तो भगवान सब चीजों की व्यवस्था इस प्रकार से करते हैं। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है, तो ये सब उपचार वैदिक मंत्रों में भी ये बताया हुआ है। बृहद नारदीय पुराण उपनिषद बताया, सॉरी बृहद अरण्यक उपनिषद में बताया गया कि पुष्टि होती है, में पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्मा अग्नि रूप में अमावास के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार के अन्न अन्न को पचाते हैं, तो भगवान यहाँ पे भी प्रविष्ट है, जो है यहाँ पे भगवान बताते हैं कि वे जो है अग्नि के रूप में प्रविष्ट है और भी प्रविष्ट है, इसके कारण हम जो अन्य प्रकार के जो अन्न को पचा सकते हैं, जैसे कि इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं 4 प्रकार के जो अन्न है जो भगवान सहायता करते हैं उन सब अन्नों को पचाने में, तो 4 कौन से हैं, कुछ निगले जाते हैं मतलब पिए, कौन से हैं,
जूस रस, हाँ दूध, जूस पानी, मिल्क मिल्क जूस रस, रस, हाँ रस सूप, सूप करी, सूप सूप या सूप गन्ने का जूस। गन्ने का जूस होते हैं। तो इस प्रकार से जो ये पिए जाते हैं, तो ये पिए जाने वाले भी जो पदार्थ है जो हम लेते हैं, भगवान जो है उनको पचाने में सहायता करते हैं। कुछ चबाए जाते, चबाए कौन से हैं चबाए जाने, मैं तो ये सब्जी रोटी रोटी सब्जी रोटी रोटी ड्राई चावल ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स ओके वेरी गुड फ्रूट्स इवन फ्रूट्स यस फ्रूट्स आई थिंक मैक्सिमम फूड्स आर द वंस विच यू, मैक्सिमम हाँ फूड यही कैटेगरी में आते हैं, True. ऑल ग्रेन्स, ग्रेन्स एंड वीट एंड राइस, एवरीथिंग Yes, इज grains, grains, basically एवरीथिंग। different types of grains. अन्न, जितने भी अन्न, अनेक अनेक प्रकार के अन्न है, जो भोज्य है, जैसे कि यहाँ पे बताया कि चबाए जाने वाले भोज्य पदार्थ है, नूडल्स, मैक्रोनी, स्पेगेटी अभी तो यही जमाना है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार इनको तो इन सब चीजों को खाने से शायद शरीर में कष्ट होते हैं, ये नेचुरल नहीं है, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड जो है वो कष्ट देते हैं, पर हम खाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान जो है ये चूड वाले हैं, चूड को भी हेल्प करते हैं किस हद तक, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते, फिर हम बीमार हो जाए, रामदेव बाबा का लेक्चर सुनना जरूरी है इस विषय में। पानी पानीपुरी माता जी, पानीपुरी तो मतलब पानी पूरी तो उसका तो पुचका, तो क्या बोलते हैं उसको, पुचका ओके ओके यस चूड़ी Nice. और तीसरा कौन सा है, लिक्ड, चाटे यस चाटे शहद, हनी, हनी, हनी हनी, हनी शहद, फिर ओ आइसक्रीम। आइसक्रीम यस आइसक्रीम राइट राइट आइसक्रीम क्रीम व्हाट एल्स लॉलीपॉप, लॉलीपॉप ओ यस चटनी, चटनी, चटनी ओके ओके अलग अलग प्रकार के सॉस सॉस यस डिप्स डिफरेंट डिफरेंट डिप्स आर देयर इवन जैम, जैम होता है ना। हाँ सो मैनी बहुत सारी चीजें हैं हाँ मक्खन है चीज है ये सब भी है तो अनेक अनेक दूसरा तीस चौथा कौन सा है चूसे जाते हैं चूसे जाते गन्ना, हैं मूंगो माता जी, हाँ गन्ना, गन्ना माता जी, मूंगो गन्ना गन्ना, ओके मूंगो गन्ना, गन्ना माता जी, चूसा भी जाता है चबाया भी जाता है कुछ लोग चबाते हैं यस उधर ना मैंगो माता जी, आम। या आम यस मैंगो करेक्ट मैंगो बर्फ चूसे जिसके लिए तो बर्फ में अलग अलग हो चुके हैं आपके लॉलीज, आइस लॉलीज, आइसक्रीम लॉलीज, लॉली आइसक्रीम आइसक्रीम। काइंड ऑफ आइसक्रीम एंड कुल्फी, स्वीट्स कैंडीज कैंडीज एंड समरी कर सकते किसी ने आके बोलो लिक्विड, आई मीन यू नो नी सॉफ्ट ड्रिंक विथ स्ट्रॉ, विद स्ट्रॉ स्ट्रॉ ओके ओके पर दैट चूसा स्वॉलोड जनरली स्वॉलो यू डोंट स्वॉलोइंग इज दैट यू डोंट यूज द टीथ एंड द यू नो द टंग और एनी ऑफ द ऑर्गन्स दैट नीड टू ब्रेक देम डाउन इनटू
सो ये है. तो क्योंकि भगवान सभी प्रकार के अन्न को के पचाने में सहायता होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में भी स्वतंत्र नहीं. भगवान की कृपा बिना हम अन्न भी नहीं ग्रहण कर सकते, हम कुछ ना चबा सकेंगे ना चूस सकेंगे, और अगर भी करेंगे तो भी जो है उनका पाचन या पचना बिना भगवान के नहीं हो सकता. तो जब तक भगवान या परमेश्वर पाचन में उनकी सहायता नहीं करते, तब तक खाने की कोई संभावना नहीं, हम खा ही नहीं पाएंगे. तो किस प्रकार से भगवान पूरे रूप से हमारे लिए व्यवस्था कर रहे हैं और हमारी सहायता कर रहे हैं ताकि हम जीवित रहें. दिस वेरी वेरी फाइन ट्यूनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड. भगवान को समझना ऑन द यूनिवर्सल लेवल, ऑन द टेरेस्ट्रियल लेवल, ऑन द फिजियोलॉजिकल लेवल, ऑन द स्पिरिचुअल लेवल, सभी लेवल्स पे भगवान जो है हमें व्यवस्था करते हैं और सहायता भी करते हैं. तो इस प्रकार से भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं. जैसे हमने पिछले श्लोक में कहा कि मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता. तो भगवान सब ये व्यवस्था भी कर रहे, किसके लिए? अन्न उत्पन्न करने के लिए भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वे ही पाचन पचाते हैं. तो भगवान ही सब कुछ कर, अन्न भी उत्पन्न कर रहे और पचाते भी वही है. हम क्या कर रहे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते भी है, कुछ नहीं कर सकते भगवान के बिना. ये भगवान की शक्ति है जिससे हम सब कार्य कर रहे, और जब तक भगवान की सहायता नहीं है हम जो है कुछ नहीं कर सकते. तो सब कार्य भगवान ही कर. वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट मेड बाय प्रभुपाद. इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वे ही पचाते हैं, और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठा सकते हैं. तो जो भी जीवन का आनंद हम उठा रहे हैं वो भगवान की कृपा से उठा रहे. भगवान सूर्य की तेज, चंद्रमा की किरणें, सभी चीजों में प्रविष्ट होकर वनस्पतियों को जो है रस प्रदान करते हैं, वे अन्न ही उत्पन्न करते हैं, वे जो है हमारे जो भी हम खाते हैं वे जो पाचन शक्ति है, सब कुछ भगवान से हो रहा है. और ये वेदांत सूत्र में ये पुष्टि की गई है, शब्दा धिभ्यो अंतः प्रतिष्ठान च. क्या है कि भगवान शब्द के भीतर, अभी शब्द के भीतर भी है, शब्द ब्रह्म सभी चीज में प्रविष्ट है. क्या कर रहे? धारण कौन कर रहे? भगवान कुछ भी नहीं. तो अभी सब लोग बोलते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, वो तो बोलने के लिए ठीक है, लेकिन कैसे?
बहुत उसमें महत्व है, लेकिन बोल लेते हैं लाइकली, लेकिन डीपली उसको समझने के लिए भगवान यहाँ पे स्वयं बता रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूं और मैं श्वास, भगवान की इच्छा के बिना हम श्वास नहीं ले सकते, भगवान की कृपा के बिना हम श्वास नहीं ले सकते, प्राण वायु में रहकर चार प्रकार के अन्न को पचाते हैं, स्वयं के रहकर अहम मैं शब्द यह है, प्राण वायु जठर अग्नि पूरे शरीर में पोषक करती है, जो भी हम अन्न खाते हैं वो पचाते हैं। तो इसीलिए उपवास भी रहते हैं तो क्लेंसिंग हो जाता है, ओवर यूज हो जाता है, ओवर यूज होने के कारण डिस्टरबेंस हो सकता है, तो उपवास इज वेरी गुड। एवरीथिंग जो भी सिस्टमैटिकली हमारे वैदिक शास्त्रों में जो कुछ भी बताया है हमारे लिए हित के लिए सब व्यवस्था, तो भगवान जो है शब्द में है, भगवान जो है शब्द के भीतर है, शरीर के भीतर है, वायु के भीतर है, तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में आमाशय में भी उपस्थित, सर्वव्यापक भगवान सब जगह उनकी शक्ति और उनकी शक्ति और उनकी कृपा से ही सब कुछ चलेगा। एक जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी एक कनेक्शन है, लेकिन उससे पंखा चला सकते, टीवी चला सकते, कंप्यूटर चला सकते, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, रेफ्रिजरेटर चला सकते हैं, सब कुछ चल रहा है। इसी प्रकार से भगवान की शक्ति, इलेक्ट्रिसिटी शक्ति है, जिस शक्ति के कारण इतनी सब सब कार्य, इतने कार्य हो सकते हैं, उसी प्रकार भगवान सभी चीजों में प्रविष्ट होकर एक ही भगवान, एक ही शक्ति ये सब चला रहे, सब कुछ चल। तो ये जानना बहुत जरूरी है जो यहाँ पे भगवान स्वयं बता रहे, इन श्लोकों के द्वारा भगवान अपने विषय में बताते सभी लेवल्स के। तो एक बार एक राजा था, तो हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से अनेक अनेक स्थान पर भगवान सब कुछ करते हैं। एक राजा था, बहुत ही बड़ा राजा था, उनकी चार पत्नियां थी, चौथी पत्नी जो थी उनसे उनका बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम करते थे जो चौथी पत्नी थी, और वे उनको हमेशा जो है बहुत सुंदर वस्त्र और आभूषणें उनको भेंट करते थे, उनको ताकि वे उससे सुशोभित रहे, सबसे अच्छे जो व्यंजन है, सबसे अच्छे जो डेलिकेसीज है उनको हमेशा उनके लिए वो देते थे, और
उनको सबसे बेस्ट, जो भी बेस्ट उनको प्रदान करते थे। इसको चौथे, चौथी जो पत्नी थी, तीसरी पत्नी को भी वे बहुत प्रेम करते, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे, उससे भी बहुत प्रेम करते थे। और वो हमेशा उनको यहाँ वहां घुमाते थे, लोगों को शो ऑफ करने के लिए यहाँ वहां ले जाते थे, कभी दूसरे राज्यों में लेकर उनसे घूमते थे। पर उनको एक डर था कि वे जो है उनको छोड़कर किसी और के साथ चली जाए, तीसरी पत्नी। दूसरी पत्नी को भी वे बहुत प्रेम करते थे, और वो ये दूसरी पत्नी के साथ वो जो है अपने सुख दुख जो भी उनके दिल में जो भी बातें थी वे जो है वे उनको बताते थे। और अगर कोई प्रॉब्लम होता था तो उन प्रॉब्लम को बताते थे, और ये पत्नी भी जो उनको बहुत सहायता देती थी ताकि वो इस कठिनाई या उनके सुख दुख में साथ देती थी, और हमेशा वे जो है उनको प्रसन्न करने की कोशिश, उनको खुश रख। जो पहली पत्नी थी वे जो बहुत ही वफादार थी, वे राजा की अच्छी तरह से सेवा करती थी, वे उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती थी, उनके धन का ध्यान रखती थी, सब कुछ जो वो करते करते थे उनके ऊपर ध्यान रखती थी। और इस प्रकार से पहली पत्नी को बहुत प्रेम था अपने पति के प्रति, राजा के प्रति, लेकिन राजा जो है उससे ज्यादा प्रेम नहीं करता, राजा उससे ज्यादा प्रेम नहीं करता, इतना कि वे उनको देखता भी नहीं था, उसको है नहीं है जैसे बराबर, लेकिन ये पत्नी इतनी वफादार थी कि वो अपने कार्य कर। एक दिन राजा जो है बीमार, और समय नहीं था अभी, वो मरणासन पे लेटे हुए हैं, तो उन्होंने विचार किया कि मेरा जो जीवन इतना ऐश्वर्यवान था, इतना लग्जूरियस था, और अभी मेरे पास चार पत्नियां भी है, पर अभी मैं छोड़ के जा रहा हूं तो मैं अकेला रहूंगा। तो उन्होंने जो उनकी चौथी वाइफ जिससे वे अधिक प्रेम करते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे इतना प्यार दिया है, मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, आपको सब कुछ जो अच्छी अच्छी चीजें मैंने दी, मैंने आपको बहुत प्रेम भी दिया, पर अभी मैं मरने जा रहा हूं, क्या आप मेरे साथ आएंगे? कभी नहीं। चौथी पत्नी जो थी बोली कभी नहीं मैं नहीं आऊं, वहां से मुड़ के चली गई। राजा के सीने में ऐसा छुरा गया कि वो इतना दुखी हो गया कि इतना उनको मैंने इतना देखभाल किया, इतना ध्यान दिया, और अभी बोले कभी नहीं मैं नहीं आऊंगा, नो वे। तो दुखी होके फिर तीसरी पत्नी के पास गया, उनको कहा कि मैं आपसे पूरा जीवन भर आपसे प्रेम किया है, मैं अभी मरने वाला हूँ, आप क्या मेरे साथ में अभी जहां मैं जा रहा हूँ आप आएंगे? बोला नो नहीं, जीवन इतना अच्छा है, और आप अगर मर जाएंगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी,
सुन के राजा और भी उसके दिल में ऐसा दर्द हुआ, सुन क्या ठंडा पड़ गया कुछ कि क्या। उसके बाद में मैंने सोचा चलो और भी है, तो दूसरी पत्नी के पास उन्होंने बुलाया और कहा कि आप हमेशा मेरी सहायता करते रही, हमेशा मुझे सुख दुख में सहायता करती रही, और आज मैं जा रहा हूँ, आप क्या आएंगे मेरे साथ। मैं क्या कि नहीं सॉरी, अभी ये इस चीज में मैं आपको नहीं मदद कर सकती, मैं आपको नहीं मदद कर सकती हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं जो हूँ आपका जो क्या कहते हैं अस्थि विसर्जन तक मैं साथ से नहीं, आपका जब अस्थि विसर्जन होगा तब मैं साथ। ये सुन के राजा तो दुखी हो से लगा कि उसके हृदय में किसी ने बच्चे ऐसे दुख और शोक मनाते मना रहा था कि क्या जीवन, वो बहुत ही अति दुखी हो गए। और उसी समय उन्होंने एक आवाज, वो आवाज उनकी पहली पत्नी, उन्होंने क्या कहा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, आप जहां जाएंगे मैं आपके साथ आऊंगा, कहां भी आप जाएं मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी, आपके साथ जाऊंगी, आप कहीं पे भी जाए। जब उन्होंने आवाज सुनी और उन्होंने देखा कि अरे ये तो मेरी पहली पत्नी है, उसको तो बिल्कुल मैंने प्यार नहीं किया, उसको ध्यान नहीं दिया, उसकी तरफ देखा भी नहीं, तो और मैं अब इस वक्त में मैं आपका ज्यादा ध्यान भी नहीं कर सकती, बहुत ही इसमें भी दुखी हुए कि उन्होंने प्यार किया। तो इस कथा से हम ये जान सकते कि हम सब जो है चार पत्नियों के साथ, हमारे जीवन में चार पत्नियां सब जितने भी हम सब, चौथा चौथी पत्नी कौन है कि तुलना की गई है, ये चौथी पत्नी शरीर कितना भी समय हम इस शरीर के ऊपर गवाए, कितना भी उसको सजाते हैं, कितना भी उसको खिलाते पिलाते, जितना भी हो उसको अच्छा दिखने के लिए करते हैं, लेकिन उस हमें छोड़ के चाहिए, इस शरीर हमें छोड़। तीसरी पत्नी जिसके साथ हम जी रहे हैं वो है हमारा साज सामान मान प्रतिष्ठा धन, जो मरने के बाद और कोई एंजॉय कर, जैसे उसने कहा मैं आपको छोड़ के मैं दूसरी शादी छोड़ के चला गई। अब ये दूसरी पत्नी कौन है, हमारे परिवार और सगे संबंधी रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। दूसरी पत्नी क्या करती थी, वे हमेशा कभी भी प्रॉब्लम है उनको है सुख दुख सुनना, सहायता करना, मदद करना, ये सब जो है
भी हमें सहायता करते, कितने भी हमें अच्छे शब्द बोल के हमारे सुख दुख में साथ देंगे, पर ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक? अस्थि विसर्जन। पर वो अंतिम पत्नी, फर्स्ट पत्नी कौन है? परमात्मा। भगवान जो हमारे हृदय में, जिसको हम देखते भी नहीं, उनको हम देखते नहीं हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं हम, इन सब बाकी की पत्नियों के पीछे। और यही तो पत्नी है जो हमारे साथ देती है, जहां भी हम जाए भगवान परमात्मा को। जैसे कि साइंस में उन बताया गया, दिस फंक्शंस ऑफ द बॉडी, टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री फंक्शंस है। वॉलेंट्री फंक्शंस क्या है? हैंड्स, लेग्स, स्पीच, वो सब जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, मूविंग कर सकते हाथ को ऊपर नीचे। इनवॉलेंट्री जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे किडनी के ऊपर कंट्रोल नहीं, लिवर के ऊपर कंट्रोल नहीं, ब्रेन के ऊपर कंट्रोल नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कंट्रोल नहीं। तो इसका कंट्रोल नहीं है तो कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन चला रहा है इन द बैकग्राउंड? फर्स्ट पत्नी क्वाइटली वर्किंग, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन सो नाइस। भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थित होकर इन सब चीजों को, हमारे शरीर के अंदर जो चीजें हैं, सब जो चला, यही हमारे सूर्य है, यही हमारे जो मित्र है, जो हमारे साथ हमेशा के लिए जाते हैं। अनेक अनेक योनियों, कीटा, कीड़े, वर्म इन द स्टूल तक भगवान ने साथ दिया। तो यहाँ पे इस कहानी से परमात्मा का कितना, मतलब जस्ट कंपैरिजन की, किस प्रकार से है सुपर सोल सेलेक्ट भगवान, जिनके कारण सब कुछ हो रहा है, पर हम उनके पर ध्यान नहीं देते। वे हम ध्यान न दे या दे, वे हमेशा हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हम कभी भी अकेले नहीं हो, भगवान आगे बताए। श्रीमद भगवद गीता। थैंक यू।